मेरा नाम है एक्स। तो अभी हम आए रनकपुर के अंदर जैन मंदिर में। गाइस इधर जो आपको दिख रहा है, यहाँ जूते वगैरह हम खोल सकते हैं। और इधर यहाँ पीछे जो आपको ये जगह दिख रही है, यहाँ पे हमें फोन जमा कराना पड़ेगा। फोन अलाउ नहीं है, ज्यादा लंबा है, इतना बड़ा है, साइज भी इसका बहुत बड़ा है। और यहाँ पे बारिश हुई थी ना अभी गाइस, तो उसके कारण थोड़ा भीग गया है। देख सकते हो गाइस कितनी हरियाली है, ये पूरा हरा हरा है एकदम, वाह एकदम मस्त लग रहा है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। और आप अपने पास फोन भी रख सकते हो, रिसीट लगेगी तो आप फिर बाद में फोन भी अपने पास रख सकते हो। और गाइस देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, यहाँ से कितना मस्त लग रहा है। और गाइस ये पत्थर से बना हुआ है पूरा, ये देखो गाइस पूरा पत्थर से बना हुआ है, वाह ओह माय गॉड वाओ, कितनी मस्त कारागिरी है। और ये ऊपर झंडे से लगाए हुए हैं। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है पूरे जगह, माउंटेन्स। और चलो अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है मैट ताकि हम यहाँ से चलें। देखो एकदम मस्त लग रहा है, आगे स्वाद जगह एकदम मस्त है। और देख सकते हो गाइस कितनी मस्त कारागिरी की हुई है। हेलो गाइस ये ऊपर जगह और पानी की बोतल बाहर, यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा पत्थर का बना हुआ है पूरी जगह। और यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, बहुत मुश्किल से बनता है एंट्री यहाँ से आए यहाँ से। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है। और गाइस यहाँ पे आवाज गूंज रही है और पूरा पत्थर का बना हुआ है, कितना मस्त लग रही है। पहले कितना पहले ऐसे ही होते थे गाइस, घर भी पहले ऐसे ही होते थे पत्थरों के। वाह कितना मस्त लग रहा है, कितनी मुश्किल से बनाया गया ये सब चीजें। वाह ये देखो गाइस इधर भी जगह और यहाँ पे भी आवाज गूंज रही है, कितनी ज्यादा आवाज आ रही है ना, गूंज रही है पूरी जगह आवाज। और गाइस ये देखो ऊपर कितना मस्त लग रहा है, पूरा ऊपर बहुत लंबा है, हाइट इसकी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे बने हुए बहुत सारे इधर फॉरेनर भी आते हैं लोग, या आए हैं ना फॉरेनर भी आते हैं घूमने के लिए, बहुत ज्यादा फेमस जगह है ये। तो अच्छा प्लीज आप कोशिश करना कि यहाँ आ सको और यहाँ के मजे लेना। वैसे मुझे तो क्या ही आप आओ ना हो, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे आके एक अलग से सुकून मिलता है, बहुत अच्छी जगह सच्ची में। यहाँ पे कारागिरी की हुई है जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, कम से कम मैं ये 3-4 बार बात बोल चुका हूँ, लेकिन सच बात है बहुत ज़्यादा मस्त है। अरे यहाँ पे देखो ऊपर फ्लावर बने हुए हैं। और ये क्या है, ये नंदीश्वर दीप है यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी, और देख सकते हो मस्त लग रहे हैं पिरामिड। गाइस एक बड़ा पिल्लर बना हुआ है जिसमें नक्काशी की हुई है। और यहाँ पे शेर है, बहुत सारे डांस करते हुए आदमी हैं, यहाँ पे हाथी बने हुए हैं, बहुत मुश्किल से नक्काशी होती है ये और की हुई है। वाह देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है पूरा ऊपर, तो फोन ऊपर एक छोटू सा रूम जैसा लग रहा है। और इधर इधर गेट वगैरह है। और यहाँ पूरा आप देखो पूरे पिल्लर ही पिल्लर देख सकते, कितना मस्त लग रहा है पूरा। वाह देख सकते हो गाइस इसमें ये जो बना हुआ है बहुत नकाशी है, ये बहुत ज्यादा बारीकी से की गई है। भाई पागल कर दिया पिता जो। और ये जो पूरा मंदिर है ये पूरा 500 साल कम से कम 500 साल पुराना है, देख सकते हो यहाँ पे भी एक जगह इस तरीके की। और यहाँ पे गेट है, इधर गेट है। और देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है इधर इधर बहुत सारे मूर्ति 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 मूर्तियाँ हैं। वाह कितना मस्त लग रहा है, पूरी लाइन एकदम मस्त लग रही है। और यहाँ पे भी वही है सेम चीज़, और देख सकते हैं पूरा नज़ारा। और यहाँ पे ही अंदर छोटा सा देखो गाइस, यहाँ छोटा सा रूम सा बना हुआ है, यहाँ ऐसे बहुत जगह भी बना हुआ है। और इधर भी सेम वही चीज़ें, हर जगह गाइस यहाँ पे वही चीज़ें। और यहाँ पे लिखा हुआ है नाम सबके, वन महावीर के लिए बनाए गए, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे ऊपर एक जगह ऊपर जाके लोकेशन देखते हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी लोकेशन लग रही है। और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है उधर, हेलो गाइस इधर, और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, पूरी हरियाली हरियाली। और गाइस वो देखो उधर वो बंदूक लेके खड़े, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। तो गाइस देख सकते हो इधर बहुत हरियाली है, यहाँ पे आप आना जरूर और जगह का मजे लेना। और यहाँ से काफी प्यारी लोकेशन लग रही है पूरी जगह की। और वहाँ पे एक और छोटू सा मंदिर दिख रहा है इधर, देख सकते हो पीछे गाइस। अभी पिछला जो व्लॉग डाला था मैंने उसी में हम गए थे इधर, तो आप वो जाके देख लो पहले, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले ये वीडियो देखो फिर वो देख लेना। और यहाँ पे लगे हुए ये झंडे से लगे हुए कुछ कपड़ा लगा हुआ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।